कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर आपको याद हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं, उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी दो दिन पहले, अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर आप तमाम दलों से मिल रहे हैं, क्या तैयारी? अच्छा, जब आ गया है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था, अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने सालों साल काम करने का मौका मिला हो, 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की, यूपी की 7वां बजट अब आया है, तो 7 बजट वो और 10 बजट वो, 17 बजट का हिसाब किताब,